हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कैंपस दर्शन। सो आज से पूरे एक साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू मेक असाइनमेंट्स, एंड उसे 1,00,000 स्टूडेंट्स का प्यार मिला, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस। अब मुझे ये लगता है कि अगर बच्चों को इतनी ही कंफ्यूजन है रिगार्डिंग असाइनमेंट्स कि वो जानना चाहते हैं कि असाइनमेंट्स को कैसे बनाएं, कैसे डिज़ाइन करें, स्पेशली फ्रंट पेज एंड ऑल द फॉर्मेटिंग, तो क्यों ना उनके लिए कुछ सैम्पल असाइनमेंट्स लेके आए जाएँ। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, होपफुली पोस्ट ग्रेजुएशन भी डीयू से करूँ, एंट्रेंस देना है अभी। तो ये दो असाइनमेंट्स हैं जो कि डीयू के ही मिरांडा हाउस कॉलेज के हैं। नेम मैंने हटा दिया है, दोनों में ही 9.5 स्कोर मिला हुआ है, क्लास का सबसे हाईएस्ट जो था। मैंने उन दोनों स्टूडेंट्स से असाइनमेंट्स मांगे थे कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब चलिए देख लेते हैं कि क्या पूरी फॉर्मेटिंग रही हुई है, फ्रंट पेज वगैरह कैसे डिज़ाइन किया गया, ताकि आप जब अपना फर्स्ट असाइनमेंट बनाओ या फिर अपने असाइनमेंट्स बनाओ, आपको आइडिया रहे एंड आप भी इतने अच्छे अच्छे स्कोर कर सको। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। सो गाइज, दिस इज़ द फर्स्ट सैम्पल असाइनमेंट, एंड जो आपका फ्रंट पेज है वो उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से डेकोरेट कर रखा है, टॉपिक, सेमेस्टर, अपना नेम, रोल नंबर वगैरह डाला हुआ है। देन कम्स द इंडेक्स जिसमें आपको सारे टॉपिक्स डालने हैं विद द पेज नंबर। आप देख सकते हो जो हेडलाइन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, हैंड राइटिंग जो है, मतलब जो भी उनका टेक्स्ट लिखा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। मैं ये नहीं कह रही आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छे से डेकोरेट करो, बट आपने जो भी लिखा हुआ है वो क्लियर होना चाहिए, एंड जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उन्हें हाईलाइट ज़रूर कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हो सकते हैं आपके, जो आपके की वर्ड्स होते हैं, जो मेन चीज़ें होती हैं, वो आप हाईलाइट कर दीजिए। आपकी हेडलाइंस अलग से ही दिखें तो वो एक अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट करती हैं। एंड इन्होंने जैसे दोनों साइड पेज के एक बहुत ज़्यादा सिंपल सा बॉर्डर डाला हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। असाइनमेंट्स में अगर आप रिलेटेबल इमेजेस को ऐड करते हो तो एक काफ़ी प्लस पॉइंट वो रहता है आपके असाइनमेंट में। कुछ असाइनमेंट में तो कंपलसरी ही होता है कि आपको कोई डायग्राम या फिर इमेजेस डालने हैं, बट अगर कुछ में नहीं है तो आप तब भी डालोगे तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है। एंड स्पेशली अगर आप खुद ड्रॉ करके इस तरह का कोई चार्ट या फिर डायग्राम जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है या फिर टॉपिक के अंदर आता है, तो आप उसे बिल्कुल ऐड करिएगा एंड प्रेफर करिएगा कि आप खुद ही बनाएं। सो दिस इज़ द कंप्लीट असाइनमेंट। एक चीज़ जो आपने नोट करी कि हैंड राइटिंग काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है पूरे असाइनमेंट में। ऐसा नहीं है कि फ्रंट पेज पे बहुत सुंदर हैंड राइटिंग है और लास्ट तक आते आते बहुत ज़्यादा फास्ट उन्होंने लिखा है एंड हैंड राइटिंग ख़राब हो रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको असाइनमेंट को ख़त्म करते हुए करनी है, वो है बिब्लियोग्राफी। जो भी आपके रेफरेंसेज हैं, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है या फिर आपके इंटरनेट सोर्सेज हैं, आपको वो मेंशन करने हैं ज़रूर। चलिए अब चलते हैं असाइनमेंट नंबर 2 पे। ये भी काफ़ी हद तक सिमिलर है, सेम इंडेक्स आपको डालना है। उसके बाद चलिए इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। हेडलाइन काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट जैसे कि आपको दिख रहा है, कीवर्ड्स इन्होंने अलग ही हाईलाइट करे हुए हैं। इमेजेस का यूज़ इस असाइनमेंट में भी काफ़ी अच्छे से हुआ हुआ है। आप अगर थोड़ा बहुत इस टाइप से डेकोरेट भी कर दोगे ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगनी, तो काफ़ी अच्छा आपका असाइनमेंट बन जाएगा। जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनकी हेडलाइन को अलग कलर से डाल दीजिए, जो भी कीवर्ड्स हैं उन्हें अच्छे से हाईलाइट कर दीजिए। ओवरऑल आपका असाइनमेंट ऐसे बनना चाहिए कि अगर आप बाद में खुद भी पढ़ो तो आपकी पढ़ाई अच्छे से हो जाए और टॉपिक कवर हो जाए। लास्ट में आपको बिब्लियोग्राफी ऐड करनी बिल्कुल नहीं भूलनी, चाहे वो ड्यू का आप असाइनमेंट बना रहे हो या फिर किसी और यूनिवर्सिटी का। सारे रेफरेंसेस एंड सोर्सेज ऐड कीजिए।